वन टाइम सेटलमेंट के लिए रिफ्यूजियों को जम्मू कश्मीर में जो पीओके से रिफ्यूजी आए हैं उनको 47 के उनको 30 लाख रुपया दे के वन टाइम सेटलमेंट जो है वो की जाए, और दूसरा कि इनको नौकरियों में इनके बच्चों को रिजर्वेशन दी जाए, टेक्निकल कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज में दूसरे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी इनके बच्चों को रिजर्वेशन दी जाए। तो हम लोगों ने वो जदोजहद करनी है कि हम उस 30 लाख पे जो है वो हम वेंकैया नायडू से आज ये गुजारिश करते हैं कि वो सेकंड सिटीजन ऑफ इंडिया हैं, बहुत बड़ी ऊंची पोस्ट पर बैठे हुए हैं, उन्होंने रिकमेंड किया हुआ है। हम कहेंगे कि वो मोदी जी से कहें, हम कहेंगे कि वो राष्ट्रपति जी से कहें, हम कहेंगे कि वो अपनी गवर्नमेंट से कहें कि उनकी जो रिकमेंडेशन है उस रिकमेंडेशन को लागू किया जाए। वो बहुत बड़ी ऊंची पोस्ट पर बैठे और हम उनसे भी गुजारिश करते हैं आज के इस जलसे की रूह से अपनी तरफ से कि वो अपनी ही रिकमेंडेशन जो है उसको लागू करें और हमें वो दें, और दूसरा हमारे बच्चों को एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, टेक्निकल कॉलेजेस में और दूसरी नौकरियों में जिस तरह से कश्मीरी पंडितों को दी गई है, हालांकि कश्मीरी पंडित जब श्रीनगर से आए हैं तो उन्होंने बाथरूम चप्पल भी लाई है, उन्होंने झाड़ू भी साथ लाया है, लेकिन उनको क्यों ये सारा कुछ मिल रहा है वो इकट्ठे हैं। जदोजहद नहीं करेंगे, ये मिलने वाला नहीं है। तो एक जो कमेटी थी उसकी जो रिकमेंडेशन हैं उनको लागू किया जाए, और वो जो रिकमेंडेशन हैं उसमें पैसा भी उसी ढंग से दिया जाए, और दूसरी जो रिजर्वेशन और मुराद हैं वो भी दी जाए। लेकिन साथियों तभी मिलेगा जब आप लोग इकट्ठे हो सकेंगे, लेकिन वही गा के तीन पार इतने कभी मतलब है, जैसे मंगल राम जी ने भी कहा कि हम तीन फिगर भी आ जाओ नहीं आए बैठो तो, मैं यही आपसे गुजारिश करूंगा कि कोशिश करो कि अपने आस पड़ोस में, अपने रिश्तेदारी में, अपने दाएँ बाएँ लोगों को बेदारी लोगों में पैदा करो कि आप जदोजहद के लिए उतरोगे, सामने आओगे तभी कुछ मिल पाएगा, नहीं तो जो है वो मिलना मुश्किल है। पीछे जो जदोजहद हुई उसका जिक्र मंगत राम जी ने भी किया, उसका जिक्र जसवंत सिंह ने भी किया, और तारा साहब खुद भी आपको बताएंगे, मैं उन डिटेल में नहीं जाना चाहता और आपकी समझ। शरणार्थी एक्शन कमेटी, शरणार्थी एक्शन कमेटी, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। थैंक यू। ये जो रेफ्यूजी एक्शन कमेटी है, दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। जहाँ तक सवाल है, कोई कहता है 25,000 है, कोई कहता है 28,000 है, लेकिन उसमें से अगर 280 ही आ जाएं, 300 ही आ जाते तो मेरा ख्याल है हमारी मेजॉरिटी में कुछ ना कुछ असर होता। लेकिन घर बैठे हुए लोग, मैंने सुन रहा था अभी कोई कह रहा था कि पैसे हमारे आए कि नहीं, हमें पैसे मिलेंगे कि नहीं। बात यह है कि किसी भी सभा सोसाइटी में जाने से पहले इंसान को ये उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि मेरे पैसे आए हैं या नहीं आए हैं। पैसे आएंगे, जो जफाकशी तारा साहब कर रहे हैं या ये कमेटी रिफ्यूजी एक्शन कमेटी कर रही है, इसके लिए जितना भी शुक्रिया अदा किया जाए उतना कम है। दूसरा, मैं कोई और बात को मैं कहने के लिए तैयार नहीं हूँ, क्योंकि सब बातें मीटिंग रखी गई है शरणार्थी एक्शन कमेटी की, इसके हवाले से बताइए। मैं जनरल सेक्रेटरी शरणार्थी एक्शन कमेटी डिस्ट्रिक्ट पुंछ की ओर से ये सभी रिफ्यूजी भाइयों को निवेदन करता हूँ कि आप सबको पता होना चाहिए कि पिछले हफ्ते डीसी साहब ने एक मीटिंग बुलाई थी हमारी रिफ्यूजियों की, जिसमें उन्होंने पुरजोर अपील की है सब रिफ्यूजी भाइयों को कि जिनके फार्म जो हैं नहीं भरे गए हैं वो फार्म जल्द से जल्द भरें, ऐसा ना हो कि कल वो उस फैसिलिटी से महरूम हो जाए। यह हमारे लिए बड़ी एक शर्मनाक बात है कि पिछले एक साल के पश्चात भी फार्म इशू हुए, लोगों ने लेके फार्म अपने घर में रखे हुए हैं, उसके वजूहत क्या है वो हमें पता नहीं, लेकिन जो मोटे मोटे जो हमें हमारे नोटिस में आए हैं कि ड्यू टू द फैमिली डिस्प्यूट करके वन टू अनदर काज कोई लोग इंटरेस्टेड नहीं है लेने के, वो इस करके वो फार्म डिले हैं। मैं पुरजोर अपील करूँगा कि अपने जो इख्तलाफात हैं उनको एक तरफ रखिए, तो फार्म भरिए और अपना एक जो मकान जो रास्ता है उसको हमवार कीजिए, और आज अगर आप इस अपॉर्चुनिटी से निकल गए तो फिर आपका कोई मदद करने वाला नहीं है।
अगर डीसी साहब या एडमिनिस्ट्रेशन आपकी मदद के लिए तैयार है, हमारी कमेटी जो है 24 घंटे आपकी मदद के लिए तैयार है। हमने पीछे 800 केसेस एक साल के अंदर हमारी जैसे हमारी कमेटी तश्कील में आई है, 800 केसेस हमने भेजे थे जिसमें 700 से कुछ केसेस हमारे सेटल हो गए। कुछ फैमिलीज की जो डिस्प्यूटेड केसेस जो रह गए वो भी सेटल, हमारी कोशिश है कि सब के सब ये हो जाए। उसके साथ साथ हमारा ये भी अहद है कि हम हमारा जो 30 लाख का जो पैकेज रिकमेंड करके सेंट्रल गवर्नमेंट नायडू साहब हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है उनके द्वारा जो इनिशिएट किया गया था, जो अप्रूवल मिली हुई है, उसको जब से जब लागू करवाएं। और जब भी हो सकता है कि आप सब लोग हमारे को कॉपरेट करेंगे। और जब कभी कोई मीटिंग होती है, बड़े अफसोस की बात है, लोग बड़े अपने अपने वेस्टर्न इंटरेस्ट के लिए हैं घर में बैठे हुए, लेकिन ये नहीं सोचते कि कश्मीरी पंडित थे जो झाड़ू था घर से लेके आए तो उनको चंदी है, कलूनी है, उनको जॉब रिजर्वेशन है उनके लिए और हमारे बच्चों के लिए कख नहीं। ये हमारे लिए शर्मनाक बात है। और हम रघुनियों के नाम के ऊपर एक धब्बा है, मैं बोलूँगा। हम जो सब घर में बैठे हुए हैं, लोगों की निंदा चुगली और उसमें मबलूस हैं, उसको छोड़कर कुछ कम्युनिटी के लिए, कम्युनिटी के साथ दें और काम करें ताकि हमारे जो आने वाली जनरेशन है वो सफर ना करे। उनके लिए जॉब रिजर्वेशन हो, उनके लिए प्रोफेशनल कॉलेज में रिजर्वेशन हो, उनके आने वाले जो समय है वो अच्छा गुजरे। यही है कि 70 साल के पश्चात भी हम लोग कुछ नहीं ले सके, ये हमारे लिए शर्मनाक बात है। मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ आप सब इकट्ठे हो जाए, जब कभी भी कॉल मिलती है रिफ्यूजी एक्शन कमेटी के लिए वो आए ताकि हमारे मिसाइल जो है हाल हो सके। थैंक यू। कमेटी के प्रधान स.तरलोक ये जो मीटिंग है, ये रिफ्यूजीज 1947 के पीओके के इनकी कुछ दरीना डिमांड्स हैं उनको मद्देनज़र रख के ये मीटिंग बुलाई गई है। तो ये जो मीटिंग बुलाई गई है, ये जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है इसका नाम है जम्मू कश्मीर शरणार्थी एक्शन कमेटी और मैं उसकी सेवा एज प्रधान कर रहा हूँ। तो ये जो 70-72 साल हो गए हमें वहाँ से माइग्रेट किए हुए, हमारे लोग जो थे नंगे पांव आए, बहुत मुश्किलात उन्होंने उस वक्त देखी और आज तक हमें कुछ भी तकरीबन नहीं मिला। ठीक है, हम अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब का, नरेंद्र मोदी जी का शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने हमें ये कंसिडर किया कि वाकई ये रिफ्यूजीज़ हैं और हमें एक किस्त जो है इंस्टॉलमेंट वो 5.5 लाख की दी गई। हमारे जो हैं 26,319 आदमी जो हैं, फैमिलीज जो हैं 1947 की पुंच रजिस्टर्ड हैं और हमारे पुंच में 1596 फैमिलीज जो हैं वो सेटल्ड हैं, जिनकी तकरीबन जो है तादाद 15-16 हज़ार के लगभग अब बनती है। तो ये लोग वहाँ सब कुछ अपनी ज़मीन मकान इतना कि घर का एक एक दो दो बंदे वहाँ पर छोड़ आए। हमारे 40 से 50 हज़ार आदमी जो थे उस टर्माइल में 47 के दौर में मारे गए। और हम ये वक्तन ये रिक्वेस्ट करते रह गए हैं, डिमांड करते रहे हैं कि हमारी कुछ डिमांड्स हैं वो गवर्नमेंट एक्सेप्ट करे। जैसे कि अब गवर्नमेंट ने हमें 2,000 करोड़ की सेंक्शन दी जो कि 5.5 लाख फी कुंभा दिया जा रहा है, जबकि हमारे स्टेट ने उस वक्त उमर अब्दुल्ला साहब थे उन्होंने 25 लाख फी कुंभा जो था वो रिकमेंड किया था 2014 अक्टूबर में। तो इसके साथ ही वेंकैया नायडू साहब जो कि उस वक्त 2013 में वो उस वक्त पार्लियामेंट मेंबर थे, उनके जेरे की आदत एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम रखा गया सेंट्रल पार्लियामेंट्री कमेटी। वो यहाँ पर आए, हम भी उनसे हमारे डेपुटेशन मिले, मैं भी हमारे आज़ाद साहब भी यहाँ पहुँच में उनसे मिले और ये हमने अपनी जो थी डिमांड्स वो रखी। तो उन्होंने उन डिमांड्स को मद्देनज़र रख के जस्टिफाई किया कि ये जो शरणार्थी रिफ्यूजीज 1947 के हैं इनको कम अज़ कम, मैं अल्फाज बोल रहा हूँ, कम से कम 30 लाख रुपया जो है वो दिया जाए और साथ में इनके बच्चों को रिजर्वेशन दी जाए, जैसे कि कश्मीरी फैमिलीज को दी जा रही हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो रिजर्वेशन इसमें प्रोफेशनल कॉलेज में और सर्विसेज में रिजर्वेशन दी जाए। तो इसके अलावा बहुत सी हमारी और भी डिमांड्स हैं, जैसे कि अगर इसी चीज़ को 30 लाख को अगर हमारा एक जो पुंछ में हम पाकिस्तान में प्रॉपर्टी छोड़ आए हैं अगर उसको माना जाए कि हर आदमी की 10,000 रुपया प्रॉपर्टी थी उस वक्त, मकान था, ज़मीन थी और बहुत सा कुछ था, माल मवेशी था, 10,000 मिनिमम माना जाए और उसके मुताबिक हमें दे दें, आज कितना हमें बनता है वो पैसा दे दें, हम वो भी एक्सेप्ट करेंगे। इसके अलावा हमारी मीटिंग जो है हम वक्तन सेंट्रल गवर्नमेंट जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट के जो कमिश्नर रिहेबिलिटेशन है उनसे, कोले साहब से भी मिले, डीप काम साहब भी मिले, हमारी कुछ डिमांड थी उनको भी बताया। और उसमें बड़ी प्रॉब्लम जो है वो कुछ ऐसे केसेस हैं रिफ्यूजीज़ के जो कि रिफ्यूजीज़ का डॉक्यूमेंट उनके पास रिफ्यूजी है, जैसे कि पाकिस्तान में ज़मीन थी उनकी या